तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो पूरी की पूरी रात हो चुकी है और मैंने एक खतरनाक सा मास्क पहन लिया है क्योंकि अभी मैं जाके शिनचैन को डराने वाला हूँ। शिनचैन घर में अकेला है और उसको पता नहीं मैं घर पे आने वाला हूँ, तो अभी हम घर में घुस के उसको डराने वाले हैं। उससे पहले मैं पूरे की पूरे घर की लाइट बंद करने वाला हूँ ताकि उसको डराने में बहुत ही मजा आएगा। तो फटाफट से पूरे के पूरे घर की लाइट का मैं कनेक्शन यहाँ पर काटने वाला हूँ, ये 3 2 1 और उसको बंद कर देते हैं। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो पूरी की पूरी घर की लाइट यहाँ पर उड़ चुकी है। अरे ये क्या हो गया, एकदम से लाइट कैसे चली गई? अरे ये कैसे हो गया? तो लाइट तो जा चुकी है, अब हम शिनचैन को बहुत ही बुरा वाला डराने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। शिनचैन आ रहा हूँ मैं। अरे ये ऊपर वाले फ्लोर पे भागने की आवाज कैसे आ रही है? घर पे तो कोई है भी नहीं। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो गाइस अभी मैं बालकनी पे यहाँ पे बहुत सारे जंप करने वाला हूँ ताकि नीचे आवाज आए, उससे शिनचैन बहुत ही ज्यादा डरने वाला है। शिनचैन अरे इस घर में पक्का कोई है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मुझे कोई तो बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऊपर से बहुत खतरनाक आवाज आ रही है, मुझे कोई तो बचाओ। तो गाइस यार अभी मेरे पास एक और आइडिया आ चुका है, मेरे पास ये न्यूज़पेपर है जिनको मैं इधर जमीन पर फेंकने वाला हूँ, उससे शिनचैन बहुत ही बुरा डरेगा, उसके सामने न्यूज़पेपर गिर रहे हैं। और गाइस यार थोड़े पानी में फेंक दे दो ताकि यार पानी में थोड़ी हलचल होगी तो शिनचैन बहुत ही ज्यादा डर जाएगा। अरे ये पानी में क्या गिर रहे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, फ्रेंकी भी अभी घर पे नहीं है। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इधर छुप जाता हूँ, इधर मुझे कुछ नहीं होगा, फ्रेंकी भी जल्दी घर पे आओ। तो गाइस यार अभी मुझे लगता है शिनचैन यार आगे वाले रूम से जा चुका है, तो मैं घर के अंदर से जाने वाला हूँ और शिनचैन को डराने वाला हूँ। शिनचैन मैं आ रहा हूँ। अरे ये खतरनाक आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कोई तो बचा लो, मुझे कोई बचा लो। चलो अपने घर चलते। एक सेकंड, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो डर की खुशबू है, इस घर में कोई तो है जो कि डर रखा है, मैं बहुत दूर दूर से डर को सूंघ लेती हूँ। रुक जाओ, मुझे देखना पड़ेगा कौन डर रहा है यहाँ पर, मुझे डरने वाले लोग बहुत पसंद है। अरे तुम कौन हो, तुम यहाँ पे कैसे गई? ये तो बच्चा है, बच्चे कैसे हो तुम? अरे तुम कौन हो, तुम मेरे घर में कैसे घुस गई? भूत भूत मुझे बचाओ। बच्चे मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। फेंकी भी है, फेंकी भी मुझे बचा लो, फेंकी भी मुझे बचा लो। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और लगता है शिनचैन को सही में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। शिनचैन मैं आ रहा हूँ। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, तुम लोग बहुत ही डरते हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाने आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे बच्चे? अरे ये तो ड्रैकुला है, मुझे आपके साथ नहीं चलना। बच्चे तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है और मैं ड्रैकुला नहीं हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मेरे घर लेके चलती हूँ। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, फेंकी भैया मुझे बचाओ, फेंकी भैया। एक सेकंड, ये क्या चल रहा है? अबे ये शिनचैन के साथ कौन है? अरे तुम कौन हो, ये शिनचैन को कहाँ लेके जा रही हो? मुझे डिस्टर्ब मत करो लड़के, वरना तुम्हें भी ले जाऊंगी। अरे फेंकी भी बचाओ, फेंकी भैया। अरे शिनचैन रुक जा, शिनचैन कहाँ जा रही है ये इसको लेके? बच्चे मैं तुझे मस्त तेल में फ्राई करके खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। अरे ये क्या हो गया, वो लड़की शिनचैन को वहां लेके चली गई और उसके में से पंख कैसे निकल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा। शिनचैन, अरे ये शिनचैन कहाँ चला गया, कौन थी वो लड़की? मैं तो सिर्फ शिनचैन को डराना चाहता था, उस लड़की ने तो मुझे ही डरा दिया, कहाँ ले गई वो शिनचैन को, मुझे समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ मैं, कैसे ढूंढूं शिनचैन को? शिनचैन, अरे शिनचैन कहाँ चला गया, मैं क्या करूंगा अब? ये सब मेरी ही गलती है, मैं शिनचैन को डराना चाहता था, अगर मैं घर की लाइट ना काट के शिनचैन के पास चल जाता तो ऐसा कभी नहीं होता। शिनचैन चला गया, वो गंदी खतरनाक औरत उसको उठा के ले गई, उसके अंदर से पंख निकल रहे थे, मैं क्या करूं समझ यार। शिनचैन बच्चे तुम रो मत, मैं आ चुका हूँ, मेरी वजह से शिनचैन चला गया, मैं क्या करूँगा? बच्चे उठ जाओ। ए, तुम कौन हो? बच्चे मुझे वो समझ लो जो कि तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ ठीक कर सकता है, क्या तुम तैयार हो? मेरी लाइफ ठीक कर सकते हो? अरे तुम हो कौन? मैं कौन, उससे फर्क नहीं पड़ता,
करता। मैं करता क्या हूँ उससे तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें शिनचैन वापस चाहिए तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना तुम्हें शिनचैन कभी नहीं मिलेगा। क्या तुमने शिनचैन को किडनैप किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ बच्चे, मैंने शिनचैन को किडनैप नहीं किया है, मेरी जो सबसे बड़ी दुश्मन है उसने उसको किडनैप किया है। क्या तुम्हारी दुश्मन? हाँ बच्चे। अरे पर उसने शिनचैन को किडनैप किया है? उसको छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, वो सारे लॉस सेंटोस के छोटे बच्चों को उठा के ले जाती है, फिर उनको तेल में फ्राई करके खाती है। क्या तेल में फ्राई करके खाती है? उसने तो उसको कल रात को किडनैप किया था, मतलब अभी तक तो उसको पूरा खा गई होगी। नहीं बच्चे, फ्राई करने में 5 दिन लगते हैं, उसके बाद उसे खाते हैं, तो अभी तक शिनचैन को कुछ नहीं हुआ होगा, पर जल्दी कुछ हो सकता है। तो क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? हाँ, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, पर उसके पास तो बहुत खतरनाक खतरनाक विंग्स थे और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बच्चे पंख मेरे पास भी है। क्या तुम्हारे पास भी खतरनाक पावर्स है? अरे तो जाके उसको हरा के मेरे शिनचैन को वापस ला के दो ना। नहीं बच्चे, उसको हराना इतना इजी नहीं है, वो मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैंने उससे लड़ाई कर रखी है, उसने मुझे हरा दिया था, मैं उससे नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे तो तुम क्या चाहते हो मैं उससे लड़ूं? मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है। बच्चे तुम्हारे पास पावर नहीं है, इसलिए मैं अपनी पावर्स तुम्हें दे सकता हूँ। अरे जब तुम ही उसे हरा नहीं पा रहे तो मैं कैसे हराऊंगा? बच्चे तुम्हें एक और खतरनाक डेविल एंजल की पावर्स को लाना पड़ेगा, फिर मेरी और उस डेविल एंजल की पावर्स मिलके जो खतरनाक पावर्स इन्वेंट होने वाली है उससे तुम शिनचैन को जरूर बचा सकते हो। क्या डेविल एंजल? कहाँ पर मिलेगा वो? बच्चे मैं तुम्हें एड्रेस तो बता दूंगा, पर वो बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें उससे लड़ाई करनी पड़ेगी और उसकी सारी पावर जीतनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? अरे मैं बिल्कुल तैयार हूँ, शिनचैन को वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। तो बच्चे मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, अपना फोन चेक करो, उस एड्रेस पर तुम्हें डेविल एंजल मिलेगा, जो भी वो चैलेंज तुम्हें देगा अगर तुमने उसको हरा दिया तो तुम्हें उसकी सारी पावर्स मिल जाएगी, और फिर मेरी और उसकी पावर्स मिला के तुम्हें मिलेगी, उसके बाद तुम शिनचैन को बचा पाओगे। जल्दी जाओ। ओके अंकल, आप टेंशन मत लो, अभी के भी उस डेविल एंजल के बच्चे को मैं हरा के आता हूँ ताकि मैं शिनचैन को बचा पाऊँ। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ डेविल एंजल को हराने और उसकी सारी की सारी शक्तियां पाने। जब तक मुझे उसकी शक्तियां नहीं मिल जाती मैं शिनचैन को नहीं बचा सकता, और मुझे पक्का पता है शिनचैन अभी बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में। तो चलो फटाफट चलते हैं डेविल एंजल के पास और शिनचैन को बचाते हैं। शिनचैन तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बचा लूंगा। बच्चे, अरे आंटी मुझे यहाँ पे क्यों लेके आयो? मुझे आंटी बोलते हैं, मैं दीदी हूँ तेरी, और मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर लाई हूँ। पहले मैं तुझे इस आग में फ्राई करूंगी, फिर मैं तेरे को पानी में डालूंगी, फिर वापस से आग में फ्राई करके इधर तेरा पनीर पकौड़ा बना के खा जाऊंगी। अरे दीदी मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज छोड़ दो। मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली और तुझे कोई बचा भी नहीं सकता। फ्रैंकी भैया मुझे बचा लो। फ्रैंकी भैया कहाँ पर हो? तेरे फ्रैंकलिन भैया भी कुछ नहीं कर सकते, वो मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। तो गाइज़र अभी हम उस लोकेशन पर आ चुके जो कि उस अंकल ने हमें बताई थी। यहाँ पे हमें मिलने वाला है कोई जिन एंजल, पता नहीं कौन। एक सेकंड, लगता है मुझे मिल गया। अबे ये क्या चीज है? अरे मुझे लगा किसी इंसान का नाम हो गया। ये कौन सा इंसान है? इसके हाथ देखो, इसके पीछे पंख निकल रहे और इसके सर में से दो सींग निकल रहे हैं। अरे ये कौन सा जानवर है कि क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मैंने सुना है तुम मेरी पावर्स जीतना चाहते हो। थोड़ी सी जीता जाता हूँ। अगर तुम्हें मेरी पावर जीतनी है तो तुम्हें मुझे 2 चैलेंजेस में हराना पड़ेगा। अगर तुमने हरा दिया तो मेरी सारी पावर्स तुम्हारी, और अगर नहीं हरा पाए तो तुम जिंदा नहीं बचने वाले। क्या तुम तैयार हो? अरे पहले चैलेंज तो बताओ, ऐसे मारने की धमकी दे रहे और चैलेंज नहीं बता रहे। सबसे पहला चैलेंज तो तुम्हारे पीछे ही है। इस बॉक्सिंग रिंग में हम दोनों बॉक्सिंग करेंगे, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम पहला चैलेंज जीत जाओगे। क्या तुम तैयार हो? तैयार तो नहीं हूं, पर कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसकी बॉडी तो देखो और मैं इतना कमजोर। चलो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। आ जाओ, मैं तैयार हूँ। तो गाइज़र मैं बिल्कुल तैयार हूँ इससे फाइट करने के लिए। इसकी बॉडी देखो कितनी खतरनाक है, और मेरी देखो पता नहीं कितने सालों से जिम नहीं गया हूँ। पर गाइज़र हमको इसकी पावर चाहिए तो इसको हराना तो पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। चलो शुरू करते हैं। 3, 2,
वन गो आ जाओ। अरे रुक जा रुक जा, अरे ये तो सीधा भाग के मारने लग गया। अरे रुक जा भाई, मुझे पता है तेरे पास बहुत खतरनाक शक्ति है, पर मेरे पास तो ना ये ले। मुझे मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। अरे काइजर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं है, मैं इससे ज्यादा फास्ट हूँ, इसलिए मैं भाग भाग के इसको पंच मार सकता हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बच्चे, अबे चल चल निकल यहाँ से। अरे काइजर इसके सींग का मेरे सीधा हाथ में घुस गया। अबे यार इसके मुंह पे भी नहीं मार सकता, इसके मुंह पे इतने बड़े बड़े सींग है, वो मुझे ही लग जा रहे। अबे कहाँ मारे जा रहा है हवा में। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले ये ले। अबे तू ले ये ले, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, ये ले। अरे 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 ये तो मार रहा है, क्या करूं क्या करूं, मुझे कुछ ना कुछ तरीका सोचना पड़ेगा इसको मारने का। ये ले, मुझे शिनचैन को बचाना है, उसके लिए मुझे इसकी पावर चाहिए, और उसके लिए मुझे इसको दो दो चैलेंजेस में हराना पड़ेगा। पहला चैलेंज इतना खतरनाक है, पता नहीं दूसरा चैलेंज क्या होने वाला है, पर मुझे लगता है मैं इस चैलेंज में इसको हरा सकता हूँ। मैं इसको बहुत मुक्के लाते मार रहा हूँ, ये मुझे मार भी नहीं पा रहा। आजा आजा पकड़ के दिखा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जा काले लड़के। काले लड़के बोला, इसकी तो ऐसी की तैसी मुझे काला बोलेगा, अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मुझे बहुत ही गुस्सा आ चुका, मेरे को काला क्यों बोला इसने। ये ले, अब तो इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाला। तू भी ले, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अबे क्या करेगा तू, तूने मुझे काला कैसे बोला। अरे ये तो डॉज भी कर रहा है। ये ले, अरे भागो, ये तो बहुत ही तेज मारा। ये ले, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, काले लड़के मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तो ये फिर से काला बोल रहा है। रुक जाओ मुझे पावर जमा करने दो, अब मैं खतरनाक सा टॉप रिंग से जंप मारने वाला हूँ। यहाँ से चढ़ेंगे, जंप करेंगे। ये ले इसकी तो ऐसी की तैसी। ये ले निकल यहाँ से, ये ले। रुक जाओ रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। और काइजर ये हार मानता है, हमने इसको हरा दिया। इसके पास इतने खतरनाक पंख थे, इसके पास इतने खतरनाक सींग थे, फिर भी फ्रैंकलिन द काला जीत चुका है। ये बच्चे पहला चैलेंज तो तुम जीत गए, पर तुम्हें एक और चैलेंज में मुझे हराना पड़ेगा। अगर तुमने उसमें मुझे हरा दिया तो मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारी हो जाएगी। क्या तुम तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बताओ क्या चैलेंज है। चलो तुम्हें लेके चलता हूँ। बच्चे तुम्हारा स्वागत है आखिरी चैलेंज में। ये कार्ड चैलेंज हम दोनों के बीच में होने वाला है। अगर तुमने इस चैलेंज को कंप्लीट किया तो मेरी सारी पावर्स तुम्हारी, और अगर तुम इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें अपनी गाड़ी को इस टायर के बीच के अंदर डालना है। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ, पर सबसे पहले तुम जाओगे। ओके सबसे पहले मैं जाता हूँ। तो कैसर ये आखिरी चैलेंज है, अगर ये चैलेंज मैंने कर दिया तो गाइजर, अगर ये चैलेंज मैंने कंप्लीट कर दिया तो मुझे इस डेविल की पावर्स मिल जाएगी। इसकी और अंकल की पावर्स को मिला के मैं शिनचैन को बचा पाऊंगा। तो गाइजर अभी देखते हैं ये डेविल क्या करने वाला है। अभी तो यहाँ पे फुल स्पीड में जा रहा है, और ये पंखे ने इसको मारा, पर ये उससे बच चुका है। और ये सामने से बॉल डांस करे जा रही है, टक्कर मार रही है गाड़ियों को। देखते क्या ये कर पाएगा, कुछ जीत पाएगा या फिर। और ये इधर पहुंच चुका है, तो गाइजर ये फुल स्पीड में आगे जाता जा रहा है, और ये आखिरी जंप आ चुका है। तो गाइजर इधर से गाड़ी को अपनी फुल स्पीड में भगाते हुए जाना है, ताकि उसे खतरनाक सा जंप करके उस टायर के अंदर जा पाए। देखते क्या मेरा डेविल पहुंच पाएगा, और इसने खुदा लिया है, और टायर के बीच में से नहीं निकल पाया, ना ही ये टायर के अंदर लैंड कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आगे जा चुका है, और ये होता है डिस्क्वालीफाई। तो अभी ये जिन तो हार चुका है, अब बारी मेरी आ चुकी है। अगर मैं ये जीतता हूं तो मुझे मिलने वाली है इसकी सारी की सारी पावर्स, फिर आखिरकार मैं शिनचैन को बचा पाऊंगा। फटाफट से अपनी गाड़ी को यहां से खुदाएंगे, यहां से लेके चलते फटाफट से सामने वाले रैंप पे। और काइजर यहाँ से निकलते हमारा आखिरी स्पीड वाला रैंप आने वाला है। हमारी गाड़ी को करते हैं कंट्रोल, और भगाते हैं फुल स्पीड में इस गाड़ी को, ताकि वो टायर के बीच में से निकल के उसमें लैंड कर पाए। चलो हम बिल्कुल तैयार है, हमारी गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है, और यहाँ से निकलने वाले 3 2 1 को। और काइजर हमारी गाड़ी जा रही है टायरों के बीच में से, क्या ये उसमें लैंड करेगी? मेरे हिसाब से तो कर जाएगी। क्या करेगी 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 करेगी, और ये हो गई लैंड, हम जीत गए। तो गाइस डेविल जिन अपना खुद का ही चैलेंज हार चुका है, और मैं ये चैलेंज जीत चुका हूं। आप देख सकते हो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। बहुत बढ़िया, मैंने नहीं सोचा था कोई भी मुझे हरा पाएगा, पर तुमने मुझे हरा दिया। मैं अपनी शक्तियाँ तुम्हें देता हूँ, ये लो। और गाइस आप देख सकते हो आखिरकार मुझे वो खतरनाक सी शक्तियाँ मिल चुकी है, मेरे पास भी आ चुके खतरनाक से पंख, ये विंग्स बहुत ही खतरनाक है। आखिरकार मैं शिनचैन को बचा।
पाऊंगा, मतलब अभी नहीं बचा पाऊंगा, पहले मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, वो जो अंकल है वो अपनी शक्तियाँ मुझे देंगे। दोनों शक्तियाँ मिलाने के बाद हम इतने खतरनाक होने वाले कि हम शिनचैन को आराम से बचा लेंगे। अंकल आ रहा हूँ मैं। अंकल जैसा कि आपने बोला था डेविल जिन से जीतने के लिए, और मैं यहाँ पर जीत गया हूँ। मेरे पास डेविल जिन की पावर्स आ चुकी है, फटाफट से आप अपनी पावर्स दे दो और मुझे अपग्रेड कर दो। हाँ बच्चे मैं तुम्हें अपग्रेड जरूर करूंगा, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अरे अब कौन सा काम करना पड़ेगा, आपने बोला सिर्फ उसको हराने के लिए, ये चीटिंग मत करो। बच्चे ये काम बहुत इजी है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। ओ अच्छा ये तो बहुत इजी है, तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अंकल मुझे देने वाला है खतरनाक सी पावर्स। जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे हमें पावर्स नहीं मिलने वाली, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बच्चे क्या तुम तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मेरे साथ इस मंत्र को बोलो, ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम, ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम, मुझे दे दो ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मुझे दे दो ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और काइजर आप देख सकते हो आखिरकार मुझे खतरनाक सी पावर्स मिल चुकी है। इन अंकल की और उस डेविल जिंग की पावर्स मिला के हम हो चुके हैं बहुत ही खतरनाक। अब बारी शिनचैन को बचाने की, जिस लड़की ने शिनचैन को किडनैप किया था मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो चलो फटाफट चलते हैं शिनचैन को बचाते हैं। शिनचैन आ रहा हूं मैं। वैसे मेरी शक्तियां बहुत खतरनाक हो चुकी है, आप देख सकते हो मैं आंखों में से लेजर निकाल पा रहा हूं, कितनी ज्यादा खतरनाक है। और तो हम सकते ये वो भी बहुत ही ज्यादा स्पीड में, अभी आप उड़ के दिखाते रुको। अगर मुझे बहुत ही जल्दी टेक ऑफ करना हो तो मुझे बस ऐसे करना है और ये बूम, ये देखो भाई कितना ज्यादा फास्ट मैं उड़ने लग गया। मेरे पास और भी बहुत खतरनाक खतरनाक शक्तियां है, पर ये सब शक्तियां हम यूज करने वाले उस लड़की को मारने के लिए जिसने शिनचैन को किडनैप किया है। तो काइजर अभी हम यहाँ पर आ चुके, मुझे पता चला शिनचैन को उसने इधर ही कहीं पे बंदी बना रखा। और ये रहा शिनचैन, शिनचैन मुझे मिल गया। अरे फेंकी पे मुझे बचा लो, फेंकी पे मुझे बचा लो। शिनचैन तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बचा लूंगा। तुम्हें लगता है तुम शिनचैन को बचा सकते हो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। इसके पास बहुत ही खतरनाक खतरनाक शक्ति है। शिनचैन तू टेंशन मत ले, इसके पास खतरनाक शक्ति है तो मेरे पास इससे भी खतरनाक है। इसकी शक्तियाँ इसको मिलती है रात के अंधेरे से, पर अभी सुबह होने वाली है, इसकी शक्तियाँ बहुत ही कमजोर होने वाली है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सुबह कैसे हो रही है, ये तो पूरा प्लान बना के लाए हो। हाँ मैं पूरा प्लान बना के लाया था, मुझे पता था जैसे सुबह होगी इसकी शक्तियाँ कमजोर होने लग जाएगी, इसलिए मैं सुबह ही तुझसे लड़ने आया हूँ और मैं अब तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये तो चीटिंग है, तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग है? तू शिनचैन को उठा के ले गई थी, उसका क्या? ये ले, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी। ये ले, मुझे बचा। तुझे कोई नहीं बचा सकता, ये ले, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसको पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा, इसने शिनचैन को किडनैप किया था, ये बहुत ही खतरनाक थी, पर अब मैं इससे इतना खतरनाक हो चुका हूँ, ये मेरा कुछ नहीं कर सकती। अरे फेकी भी आपने मुझे बचा लिया। शिनचैन तू ठीक तो है ना? अरे फेकी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मुझे बचा लिया। हाँ शिनचैन मैंने तुझे बचा लिया, जब हम घर पे चलते हैं। चल शिनचैन तू टैक्सी लेके घर पे पहुंच और मैं जाता हूँ। तो गाइस हमने शिनचैन को बचा लिया, मेरा प्लान काम कर गया, मैंने बिल्कुल ढंग से प्लान बनाया था कि जैसे ही सुबह होगी तब मैं उससे लड़ने जाऊंगा। सुबह वगैरह बहुत ही कमजोर हो जाती है और अभी पूरी की पूरी सुबह हो चुकी है, और अगर मैं उससे रात में लड़ने जाता तो वो मुझे आराम से मार देती। तो गाइस शिनचैन को हमने हरा दिया और हम बन चुके खतरनाक से एंजल। आप देख सकते हो मेरी शक्तियां कितनी खतरनाक हो चुकी है, मेरे पास दो दो बड़े बड़े पंख आ चुके हैं। अब मैं पूरे लॉस सैंटोस की मदद कर सकता हूँ, लॉस सैंटोस को पूरा पूरा ठीक कर सकता हूँ, सारे के सारे क्राइम दूर कर सकता हूँ। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ आप क्या क्या चाहते हो, कौन कौन से क्राइम दूर करें लॉस सैंटोस से। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं चलेगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।